यहाँ पर, ठीक है, एक्स एस टी एम एल। देखो एक्स एस टी एम एल जनरली क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज हम लोग इसको बोलते हैं जो कि हम लोग इंटरनेट पे जो भी सारे कंटेंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं उस वेब ब्राउजर पे। जनरली जो भी हम लोग इंटरनेट पे सारे कंटेंट देखते हैं, ठीक है, तो वो किसी ना किसी चीज से तो बना होगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली अगर हम लोगों को कुछ चीज डिस्प्ले करना है तो हम लोग एच टी एम एल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्स एस टी एम एल। तो एक्स एस टी एम एल क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे एक XML को ऐड करते हैं हाइपर टेक्स्ट माइका मार्कअप लैंग्वेज के साथ में, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, ठीक है, दो चीजें क्या आएगी, लाइक यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस एक्स एस टी एम एल में दो चीजें रहती है। मैं यहाँ पे दो चीज को ऐड करूंगा, एस टी एम एल को ऐड करूंगा, साथ में यहाँ पे XML को ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एस टी एम एल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस टी एम एल है जो कि कंटेंट को डिस्प्ले करेगा हमारे वेब पेज पे, एस टी एम एल कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो XML होता है वो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है, ठीक है। कंटेंट और डेटा बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। एस टी एम एल होगा कंटेंट के लिए, ठीक है, और XML जो होगा वो डेटा के लिए होगा, ठीक है। अब ये डेटा मतलब क्या होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड में एक बार कोड लगा होता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी बार कोड को स्कैन कर लेना, वो एक ही टाइप के फॉर्मेट में हम लोग को डेटा डिस्प्ले करता है, वो XML फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये XML फॉर्मेट क्या होता है, ये XML फॉर्मेट क्या होता है कि जनरली जो भी हम लोग को डेटा क्लाइंट से सर्वर तक हम लोग को भेजना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो अगर कोई एक मूवी है या फिर कोई भी एक इमेज है या फिर कोई भी डेटा है, ठीक है, जैसे कोई एक वर्ड फाइल है या HTML फाइल है या कोई भी फाइल को हम लोग को भेजना है, ठीक है, उस फाइल में खूब सारा डेटा है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं उसको ऐसे रॉ डेटा उठा के भेजता हूँ तो हो सकता है कि सर्वर उसको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, हो सकता है कि सर्वर एक्सेप्ट कर ले लेकिन उसको डिस्प्ले ना कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज की गई, XML टेक्नोलॉजी, ठीक है। XML में होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस XML को यूज किया गया इस HTML के साथ में, क्योंकि HTML कंटेंट डिस्प्ले कर सकता है, मींस जो भी वेब पेज हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, जितना अच्छा सुंदर हम लोग एच टी एम एल से हम लोग कर सकते हैं वैसे सुंदर सा हम लोग डेटा को शो नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा क्या है, डेटा एकदम बदसूरत सा रहता है लेकिन काम की चीजें रहती है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको एच टी एम एल के साथ में यूज करते हैं तो एक नया टाइप का मार्कअप लैंग्वेज वहां पे बन जाता है जिसको हम लोग एच टी एम एल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक डेटा की बात कर रहा था जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रांसफर होता है, ठीक है, अगर मैं क्लाइंट मशीन से कोई भी एक फोटो को अपलोड करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी एक वेबसाइट में गया, वहां पे एक फोटो को अपलोड किया, फोटो मान के चलो 10 MB का है, ठीक है, वो फोटो जो है वो पार्ट पार्ट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, मतलब मान के चलो अपलोडिंग स्पीड जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अपलोडिंग स्पीड मान के चलो 100 KB/s है, ठीक है, 100 KB/s, ठीक है। तो मान के चलो इतने स्पीड में अपलोड हो रहा है, तो अगर 10 MB की फाइल है, 10 MB की फाइल है, तो 10 MB की फाइल वो पार्ट पार्ट में ट्रांसफर होगी, तो हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा जो ब्राउजर क्या करता है, क्योंकि वो जो इमेज है वो डेटा के फॉर्म में, ठीक है, वो इमेज क्या है, डेटा के फॉर्म में, सबसे पहले इस डेटा को वो तोड़ेगा, ठीक है, और तोड़ेगा फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा XML में, वहां से उसको डेटा ट्रांसफर करेगा उस सर्वर पे, वहां पे इस XML में प्रोसेस किया जाएगा और वापस इस डेटा को बनाया जाएगा और ओरिजिनल फॉर्म पे उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो मतलब जो क्लाइंट से सर्वर पे गया वो इमेज जो अपलोड हुआ है
ठीक है, वो एक्सएमएल फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है कभी भी अगर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, तो इंटरनेट में अगर कोई भी डेटा को हम लोग को ट्रांसफर करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो सबसे इजी तरीका होता है एक्सएमएल का। ठीक है, एक्सएमएल क्या है सारी चीजें हम लोग बाद में भी देखेंगे। ठीक है, अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स एस टी एम एल कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बना, अगर किसी भी एस टी एम एल में हम लोग एक्सएमएल को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एक्स एस टी एम एल बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जब इंटरनेट का जन्म हुआ, ठीक है, तो उस समय जो वर्जन आते थे, ठीक है, बहुत कम चीजें वहां पे यूज होती थी। अगर मान के चलो एच टी एम एल तो हो गया था, बन गया था, जब एक्स एम एल बना, ठीक है, एक्स एम एल भी बन गया, उसके भी 1.0 वर्जन चल रहा था, लेकिन दोनों को साथ में यूज करना था, तो एक्स एस टी एम एल का सबसे फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया। ठीक है, इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप इन द एक्स एस टी एम एल फैमिली। ठीक है, ये क्या था, सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप था एक्स एस टी एम एल फैमिली में। ठीक है, एक्स एस टी एम एल इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू एस टी एम एल 4.01 विथ ओनली फ्यू डिफरेंसेस। ठीक है, दिस इज अ क्लीनजर एंड स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ एस टी एम एल 4.01। इफ यू ऑलरेडी नो एस टी एम एल देन यू नीड टू गिव ए लिटिल अटेंशन। ठीक है, अगर मान के चलो कि हम लोग एस टी एम एल 4.0 हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो एक्स एस टी एम एल जो होता है वो भी सेम ही होता है, जो एस टी एम एल में टैग्स यूज होंगे वहां पे भी सेम टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, एक्स एस टी एम एल वॉज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम W3C टू हेल्प वेब डेवलपर्स मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम एस टी एम एल टू एक्स एम एल। ठीक है, बाय माइग्रेटिंग टू एक्स एस टी एम एल टूडे वेब डेवलपर्स कैन एंटर द एक्स एम एल वर्ल्ड विथ ऑल ऑफ इट्स बेनिफिट्स वाइल स्टिल रिमेनिंग कॉन्फिडेंट इन द बैकवर्ड एंड फ्यूचर कंपेबिलिटी ऑफ द कंटेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स एस टी एम एल को किसने बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, इंटरनेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, प्रोटोकॉल्स लगाती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैंडल करती हैं वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम जो होता है, जो हम लोग लिखते हैं ना कोई भी यूआरएल पे हम लोग लिखते हैं www, उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम जो है वो सारे प्रोटोकॉल्स को किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी क्लाइंट मशीन पे, किसी भी सर्वर पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए वहां पे जो भी वेबसाइट होती है वो www के ही थ्रू उसको रीडायरेक्ट किया जाता है, ताकि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो भी उसमें अलग अलग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के हिसाब से अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स रखते हैं, ठीक है, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए वेबसाइट चले। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उस वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो ऑलरेडी सारी चीजें हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोग को यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी डेटा को हम लोग को ट्रांजिशन करना है, ट्रांजिशन मत करना मतलब उसको दिखाना है, ठीक है, अपने एच टी एम एल वेबसाइट पे या फिर वेब पेज हम लोग को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि हम लोग को मर्जिंग करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी। अब एक्स एच टी एम एल आने से क्या हो गया कि वेब डेवलपर्स जो होते हैं उन लोगों को बहुत ईजी हो गया। ठीक है, वो बहुत सारी बेनिफिट्स उससे ले सकते हैं एक्स एच टी एम एल। ठीक है, तो ये जनरली जो भी डेटा वगैरह डिस्प्ले करने की बात होती है तो ये सारा चीज फ्यूचर को देख के बनाया गया है। ठीक है, अब फ्यूचर को देख के बनाया गया इसका मीन्स क्या होगा कि हम लोग ने जो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है, वो हम लोग एक ही फॉर्मेट में रखेंगे और इसी फॉर्मेट से सारा चीज एक्सेस हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे आधार कार्ड है। ठीक है, आधार कार्ड में बारकोड होता है, आधार कार्ड में एक नंबर होता है, ठीक है, यूनिक नंबर। ठीक है, आधार कार्ड ने क्या किया है, ठीक है, जिस भी कंपनी ने उस आधार कार्ड को बनाया है उसने उसका एपीआई जनरेट कर दिया। एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है,
एपीआई उसका जनरेट कर दिया। तो एपीआई में हम लोग को एक्सएमएल फाइल मिलती है, ठीक है। अब ये एक्सएमएल फाइल कैसे काम करती है, जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, जैसे सीएससी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, चॉइस सेंटर होते हैं, तो वहां पे जाते हैं हम लोग, उस आधार कार्ड को यूज करके कुछ भी, जैसे अभी आयुष्मान योजना कार्ड बन रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट लगाते हैं वो हमारा सारा डेटा उठा के दिखाता है। उनके पास एक पहले से स्ट्रक्चर बना होता है, वहां पे फोटो लग जाता है, वहां पे नाम आ जाता है, वहां पे अपने फादर्स का नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, फोन नंबर आ जाता है, सारा डिटेल्स आ जाता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग वहां पे क्या लगाए, फिंगरप्रिंट लगाए, और वो एक्सएमएल के थ्रू इस एपीआई के अंदर जाके इस आधार कार्ड के डेटाबेस को एक्सेस करके वो एक्सएमएल फॉर्मेट में उस एचटीएमएल पेज पे लाके डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो मतलब फिंगरप्रिंट लगाए और तुरंत आ गया, इतना स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। तो वो एक्चुअल डेटा है जो उसके डेटाबेस में सेव है, ठीक है, एक्चुअल डेटा है जो कि उसके डेटाबेस में सेव किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स एस टी एम एल का यूज करते हैं, तो डेटा जो भी हम लोग को डिस्प्ले करना है, सबसे इजी फॉर्म है इस डेटा को डिस्प्ले करने। तो जनरली फ्यूचर में या फिर आज के डेट में, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम लोग को डेटा अगर डिस्प्ले करने की बात होती है, चाहे वो वेब में हो या कोई भी सॉफ्टवेयर में हो, जनरली आजकल वेब सॉफ्टवेयर से ज्यादा बनते हैं, मीन्स वेब पेजेस, वेबसाइट्स, ये सब ज्यादा बनते हैं। तो इसमें एक्सएमएल फॉर्मेट में ही सारा डेटा ट्रेवल होता है, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है एक्स एस टी एम एल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स एस टी एम एल यूज क्यों करते हैं, ये एक एक करके हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। एक्स एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स आर एक्स एम एल कॉन्फॉर्मिंग एज दे आर रेडिली व्यूड, एडिटेड एंड वैलिडेटेड विद स्टैंडर्ड एक्स एम एल टूल्स, ठीक है। अब एक्स एस टी एम एल डॉक्यूमेंट जो होगा, ठीक है, एक्स एस टी एम एल डॉक्यूमेंट जो होगा वो एक्स एम एल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, सारा चीज जो भी स्टैंडर्ड होगा वो एक्स एम एल को फॉलो करेगा, ठीक है। और वो जो है वो हम लोग इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें उसमें पहले से मिल जाती है, ठीक है। मतलब एच टी एम एल जैसे वहां पे प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते हैं, वहां पे यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं, हम अपनी तरीके से वहां पे टैग्स बना सकते हैं, ठीक है। उसको इजीली हम लोग एडिट कर सकते हैं, इजीली उसको वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली व्यूड, इजीली एडिटेड और इजीली वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट भी कर सकते हैं हम लोग, सारी चीजें हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और समझने में भी बहुत आसानी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे एक्स एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटर्न टू ऑपरेट बेटर देन दे डिड बिफोर इन एग्जिस्टिंग ब्राउजर एज वेल एज इन न्यू ब्राउजर्स, ठीक है। एक्स एस टी एम एल डॉक्यूमेंट जो होता है उसका कोई भी ऐसा कुछ वर्जन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया, क्योंकि पूरा का पूरा एक्स एम एल बेस्ड होता है। तो इसमें बेसिक टैग्स यूज करते हैं एच टी एम एल का, और जो भी वहां पे हम लोग XML फॉर्मेट लगाते हैं वो तो हमारे खुद के बनाए हुए टैग्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ब्राउजर पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पुराना हो नया हो, सभी ब्राउजर पे वेल एंड गुड ऑपरेट किया जा सकता है, बहुत अच्छे से ऑपरेट इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, XML डॉक्यूमेंट्स कैन यूटिलाइज एप्लीकेशन सच एज स्क्रिप्ट्स, एपलेट्स एंड दे रिलाई अपॉन इधर द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और द एक्स एम एल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच टी एम एल सॉरी एक्स एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को स्क्रिप्ट लगाना है, ठीक है। स्क्रिप्ट मीन्स लाइक पी एच पी स्क्रिप्ट, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट, इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब वैलिडेशन के लिए यहाँ पे की जाती है। तो उस वैलिडेशन के साथ में हम लोग यहाँ पे एच टी एम एल डॉम को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, और एक्स एम एल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। एच टी एम एल डॉम और एक्स एम एल डॉम दोनों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये डॉम क्या कहानी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि सारे डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ वेबसाइट पे देखते हैं पीडीएफ ओपन होता है, कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट देते हैं जहाँ पे एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, गूगल ड्राइव।
ठीक है, गूगल ड्राइव हम लोग देखते हैं, गूगल ड्राइव में किसी भी तरह की फाइल हो सब ओपन हो जाती है, ठीक है, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वर्ड फाइल हो, चाहे वो पावर पॉइंट फाइल हो, चाहे वो एक्सएमएल फाइल हो, चाहे वो कोई फोटोशॉप की फाइल हो, कुछ भी फाइल हो, सारा फाइल वो ओपन कर देता है। तो अगर वेब में हम लोग कोई भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं या फिर उस टाइप का एक वेब एप्लीकेशन हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पर डॉम का यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो हम लोग HTML के साथ भी कर सकते हैं और XML के साथ में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से हम लोग कर सकते हैं। HTML गिव्स यू ए मोर कंसिस्टेंट वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सो दैट योर वेब पेजेस कैन बी इजिली पार्स्ड एंड प्रोसेस बाय प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेब ब्राउज़र्स। XHTML क्या करता है, बहुत कंसिस्टेंट फीचर हम लोग को देता है और वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम लोग को वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा मेंटेन किया जाता है ताकि हम लोग को डेटा समझने में आसानी हो, डेटा डिस्प्ले करने में आसानी हो और सारा डेटा कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट मीन्स जो सर्वर पे है एज इट इज डेटा हम लोग को अपने वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो वेब ब्राउजर पे तो वेब ब्राउजर पे अगर हम लोग को कोई भी डेटा को ला के डिस्प्ले करना है और इजीली हम लोग उसको चाहते हैं कि वो इजीली एक्सेस हो जाए, इजीली डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, तो हम लोग इससे कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इजीली हम लोग कोई भी प्रेजेंट में हम लोग जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग जो फ्यूचर वेब ब्राउजर जो भी वर्जन आएंगे सब में ये एक्सेसिबल होगा बहुत ही। नेक्स्ट आता है, यू कैन इजिली मेंटेन, एडिट एंड कन्वर्ट एंड फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इजिली मेंटेन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, फॉर्मेटिंग उसमें कर सकते हैं, सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। Since HTML is a official standard of W3C, your website becomes more compatible and many browsers and it is rendered more accurately. ठीक है, XHTML generally official standard है W3C का, World Wide Web Consortium का। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ वेबसाइट में XHTML को यूज करेंगे, ठीक है, तो वो हर ब्राउजर पे कंपेटिबल होगा, ठीक है, और वेल एंड गुड, बहुत अच्छा सा वो कंटेंट को डिस्प्ले कर सकता है, जो भी हम लोग डेटा वहां पर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सारा वेब ब्राउजर पे सपोर्ट करेगा और बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। HTML combines strength of HTML and XML also. ठीक है, HTML pages can be rendered by all XML enabled browser. ठीक है, देखिए आजकल के जितने भी ब्राउजर्स होते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम की बात करें, फायरफॉक्स की बात करें, या कोई भी ऑफिशियल ब्राउजर की हम लोग बात करें, ठीक है, तो सभी के सभी आज के डेट में XML इनेबल्ड होते हैं, मतलब XML को हर एक ब्राउजर सपोर्ट करता है। ठीक है, हर एक ब्राउजर सपोर्ट करता ही करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, XHTML डिफाइंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ योर वेब पेजेस एंड इफ यू फॉलो दैट देन योर वेब पेजेस आर काउंटेड एज क्वालिटी वेब पेजेस, द W3C सर्टिफाइज दोज पेजेस विद देयर क्वालिटी स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे जो XHTML, अगर हम लोग उसको अपने वेब पेजेस में यूज करते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है W3C। ठीक है, मतलब वो सर्टिफाइड हो जाता है, मान के चलो जो जितने भी वेब पेजेस हम लोग उसको यूज करेंगे तो वो सर्टिफाइड हो जाएगा।
ठीक है, सर्टिफाइड मतलब उसका एक क्वालिटी स्टैम्प दे देता है ऑनलाइन। ठीक, तो ये सारा चीज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी भी वेबसाइट को बनाएंगे XHTML में, उसको होस्ट करेंगे, ठीक है, होस्ट कैसे करते हैं, सर्वर पे अपलोड करना पड़ता है। तो सर्वर पे जब हम लोग उसको अपलोड करेंगे, तब हम लोग को वहाँ पे सारा प्रोटोकॉल्स हम लोग को यूज करना पड़ता है, वहीं पे हम लोग को उस सर्वर पे मतलब जो होस्टिंग हमारा रहेगा वहां पे हम लोग को वो क्वालिटी स्टैम्प मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे हम लोग को पेजी में कहीं पे ऐसा नहीं कि वहां ठप्पा लगा हुआ है, वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन एक सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे W3C के द्वारा हम लोग को यहाँ पे मिला होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा वेब पेज जो होगा ऑथेंटिकेट होगा, मीन्स ऑथेंटिकेट मतलब वो ओरिजिनल होगा, मतलब जो भी डेटा वहां पे है वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि W3C ने वहां पे क्वालिटी स्टैम्प दिया है, मतलब जितने भी डेटा वहां पे है सब के सब ओरिजिनल है, कोई भी कहीं से चुराया हुआ डेटा नहीं है। ठीक है, तो XHTML जनरली क्या होता है, अगर हम लोग HTML के टैग्स के साथ साथ XML हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मतलब HTML प्लस XML तब बनता है XHTML। ठीक है, तो XHTML जनरली हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग अपने वेब पेजेस में अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, ठीक है, वो इमेज हो सकता है, वो एक्सेल शीट हो सकता है, वो PDF हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग XML से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और XML से हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं HTML के साथ में, तो ये बन जाएगा XHTML।